मकसद मड़े कहने देगा चार टंगा ले ऊंट नु पता लग गया है इस बगल दा पक्का पता लग गया सच्चा पता लग गया है कि जेड़ा बंदा पंजे टाइम नमाज ना पढ़े उस पर रब दा अज़ाब आ सकता है उसके घर विच बीमारियां उसते आ सकती हैं हां उसके घर उते कोई मुसीबत आ सकती है कोई जलजला कोई और चीज आ सकती है मेरे उते भी उठ ऐसी मेरे नाल ये मामला तो सुन मैं भी अज़ाब दी गिरफ्ती जा जासा इस वास्ते मैं हुण इत्थे ही जासा है इत्थे ही रहसा हुण मैं कितने भी नहीं जांदा उन्होंने रख लिया माशाल्लाह उस पर कम काज भी करते रहे उसकी खिदमत खातर भी करते रहे है सारे की बख्शिश भी हो गई मामला भी सारे के ठीक हो गए ऊन सुन कई लोगों जिस तरह मुहीउद्दीन अजमेरी सुन ख्वाजा साहब हुण वली हिंद सुल्तान उल हिंद है है अली का पुत्र मौला अली का पुत्र है ख्वाजा साहब मुहीउद्दीन अजमेरी जिस तरह 90 लाख हिंदुओं ने मुसलमान किया नमाज पढ़ता कोई चंगी तकलीफ कभी भी नहीं आई कभी चंगी तकलीफ नहीं आई क्योंकि अल्लाह की याद ही मसरूफ सी उस पर कोई चंगी तकलीफ कोई बुरा वक्त कोई उसके घर भी कभी भी कोई बीमार होया फिर भी कई लोग समझा ऊंट की जी है ना ऊंट की खबी लग दी जी अगली हड्डी हैगी हड्डी जिस कारण सीख हो सीख सीख दिमक है ना जाती हो हड्डी रख छोड़ो उस कार भी दिमक नहीं रही तो चार कार और भी ना लगे पीछे आमने आमने सामने या किसी जगह से होने घर अंदरों भी दिमक खत्म हो जाती है खत्म हो जाती है अल्लाह मेहरबानी करे इस अल्लाह तला चलने की अल्लाह तला तो दिखता फरमावे अल्लाह तला चल दे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਾਂ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜਨਮ ਵੀ ਜਹਨਮ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਮੈਂ ਨਾ ਨੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਕੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਫ ਕੋ ਘਰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਫ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਈ ਗਈ 1,08,808 ਔਰ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਫ ਕੇ ਇਸਤੀਫੇ ਕੀ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 18/08 और 08 मतलब जितने भी एक मेरी बात सुने चिरागों की तादाद में इतना ही एक इस्तीफे की तारीख में है जितने सिफरे चिरागों की तादाद में है इतने ही सिफरे है इस्तीफे की तारीख में जितने ही अठे है चिरागों की तादाद में इतने ही अठे इस्तीफे की तादाद में 1,08,808 18/08/08 12 जून 2008 सफ़र नंबर 3 पर रोजनामा खबरें इस्लामाबाद पर पीर पहाड़ा की पेशनगोइयों पर तबसरा करते हुए है हाँ पीर पिंजर सरकार ने कहा था मार्शल ला नहीं आएगा मुशरफ रुखसत जज बाल होंगे पीर पिंजर सरकार पीर पहाड़ा सियारों की चालों को नहीं समझते वो प्रोफेसर गफूर से तालीम बालका की क्लास लें पेशन गोइयों पर तबसरा मुशरफ की रुखसी लोहे पर लकीर है किसी भी वक्त मौजा हो सकता है लॉन्ग मार्च सियासी पंडतों के दाम खटे कर देगा हाँ मुल्क के मुमताज पेश गो पीर पिंजर सरकार ने कहा है कि पीर पहाड़ा ने जो पेशन गोई की है ये प्रवेश मुशरफ नहीं जाएंगे और ना जज बहाल होंगे हाँ ना जज बहाल होंगे जो लोग मुआवजना करने के काबिल नहीं वो क्या किसी का मुआवजना करेंगे इस पर तबसरा करते हुए पीर पिंजर सरकार ने कहा था कि पीर पहाड़ा का दिमागी मायना करवा लिया जाए और पीर पहाड़ा प्रोफेसर गफूर से तालीम बालकों की क्लास भी ले 23 दिसंबर 1994 को पाकिस्तान के बाद रोजनामों ने बाद काफ़ी सारे पीर पहाड़ा की पेशनगोइयाँ शाया की थी मुल्क के इंदा वजीर आजम नवाबजादा नसरुल्ला खान होंगे 25 दिसंबर 1999 को है पीर पिंजर सरकार पीर पहाड़ा की उस बयान को मैका खेज करार दिया कि पीर पहाड़ा की ख्वाहिश का साथ नहीं दे रही बल्कि उन्होंने पहले भी पेशनगोई की थी
कि मुल्क के इंदा वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी होंगे, जो 14 साल बाद दुरुस्त साबित हुई। नवाबजादा नसरुल्ला और इस वक्त दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। एक मरतबा फिर पीर पगाड़ा ने इस बयान पर तबसरा करते हुए कहा था कि जब किसी को इख्तदार में देखना चाहते हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जो लोग महाजना काबुल नहीं वो किसी का क्या महाजना करेंगे। पीर पिंजर सरकार ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ ने एक आर्टिकल के जरिए तमाम आसिफ जरदारी के तमाम केस है। देखो ना कितना खुश नसीब आदमी है। पहले आसिफ जरदारी सारे केस माफ कर छोड़े परवेज मुशर्रफ ने। हाँ हाँ पीर फकीर अगे पिछे मेरे को जो मामला है जरदारी साहब बड़े अच्छे तरीके ना इन्हें तो माशाल्लाह सदर सर सदर सर उसने कलाशनकोव भी वजीर आजम हाउसी सदर हाउसी रखी थी सी और नाल एक नागे दरवेश भी अजाज शाह हैं वो भी नाल रखे थे सर हैं जेडे उन्होंने बड़े बड़ी अगे पिछे उन्होंने मामलत करते रहे हैं मुकदमा साफ कर दिए। ये नहीं समझ आती मैं कि परवेज मुशर्रफ सुनो तुम बंदा ला लो इतने इतने मामला ला आदमी इतने केसा ला आदमी इतने मामला गया उसने आर्डिनेंस के जरिए सारा कुछ माफ कर छोड़िया है। जरा जो रौला पाया था बिलावल पाना रहना ले आओ मुशर्रफ को परवेज मुशर्रफ को ले आओ कतल में यही है ये इसको सारी बात का पता है ये उसको सदर था ये अगे पीछे कोई मामला भेजी ना नहीं कोई ढकी छुपी थी कोई गल है हूँ इस पर भी किसी वे तवज्जो दे के मतलब ये केस भी बाहर आना चाहिए है। यारवीं शरीफ इस वास्ते भी हूँ दुआ इंशाल्लाह सरकार हाउस पाक टी नंबर लवाने लवा के जी कोई मेहरबानी उसी इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमा से सब ठीक हो जाती मामला कर सकते हैं। तुर्क सदर अपने इर्द गिर्द मौजूदा लोगों पर खसूसी नज़र रखें। कोई भी मीर जाफर वाली तारीख दुआ सकता है। भारत के भारत के अंदर 1947 से बड़ी तारीख उठती दिखाई दे रही है और खुद मुख्तियारी की धज्जियाँ बिखेर दी जाएंगी। पाकिस्तान चीन की शरह है। पाकिस्तान चीन ने शरह है वो अपनी शरह कभी भी नहीं कटने देता। उसे पता है अगर मेरी शरह कटी गई तो बच में भी नहीं सकता। हाँ इस वास्ते कि चीन पाकिस्तान की शरह है और पाक चीन एटमी सिलर माई दारी उन्हें अल्लाह ख्याल रखे।